आदरणीय हमारे सीनियर डीएसपी साहब और हमारे साथियों, आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने 68वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैं आज बहुत सारे बच्चों लोगों ने बताया कि आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मैं पहले भी एक दो से बता चुका हूँ, एक बार और बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसके पीछे क्या ऐतिहासिक कारण है। जैसा कि 26 हमारा देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, प्रेसिडेंट से साइन नहीं हो गया था, लेकिन उस दिन को लागू हुआ, उसे एक अमूक दिन को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो 26 जनवरी का क्या ऐतिहासिक महत्व, क्यों लागू किया गया, इसके पीछे बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य है कि जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ, तो शुरू में क्या होता था कि कांग्रेस के जो लोग थे, शुरू में नरम दलों का ज्यादा प्रभाव था, वो लोग भारत को सेल्फ रूल डोमिनियन स्टेटस होम रूल की मतलब चाहते थे कि शासन चलो इंग्लैंड से ही हो, अंग्रेज का ही राजा शासन करें, लेकिन हमें स्वायत्तता मिले, होम रूल डोमिनियन स्टेटस मिले। लेकिन जब राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दलों का प्रभाव हुआ, जो गरम दल बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जी का जब राष्ट्रीय आंदोलन में प्रभाव हुआ, तो इन लोगों ने बोला कि डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलेगा, हमें फुल स्वतंत्र था। 1928 का जो कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ, मोतीलाल नेहरू जी सभापति थे, तो उसमें नेहरू रिपोर्ट पारित हुआ, उसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। तो डोमिनियन स्टेटस का गरम दलों ने काफी भारी विरोध किया, भगत सिंह जी ने काफी विरोध किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया, बोला कि हमें पूर्ण इंडिपेंडेंस है। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, सभी गरम दलों से प्रभावित हुए, उन्होंने कांग्रेस की घोषणा पत्र में पहली बार 1929 में 21 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की। कि वही लाहौर में अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर, और वहाँ पर 31 दिसंबर के आधी रात मिडनाइट को झंडा भी फहराया गया था, जो लाहौर में आज मीनारे पाकिस्तान स्थित है, वहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की। उसमें एक रिसोल्यूशन पास हुआ था कि जो जनवरी 1930 के जो अंतिम रविवार होगा, उस दिन पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। तो 1930 के अंतिम रविवार, जनवरी महीने के अंतिम रविवार, तो कैलेंडर उठा के देखे तो जनवरी 1930 के अंतिम रविवार 26 जनवरी को पड़ता था। उस दिन फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू आए रावी नदी तट पर, जो मीनारे पाकिस्तान आज लाहौर में है, वहाँ उन्होंने झंडा फहराया, स्वतंत्रता दिवस मनाया, झंडा फहराया। और वही 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। तो कांग्रेस के लोग जहाँ जहाँ थे, कांग्रेस का उन्होंने देशवासियों को प्रेरित किया कि 26 जनवरी 1931 को भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। उसी 26 जनवरी 1932, यही सिलसिला 26 जनवरी 1947 तक चलते गया। तो 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व हुआ, जब देश माउंट बेटन प्लान के तहत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व था कि जब देश में संविधान बनाने का कार्यक्रम चला, 1946 में स्टार्ट हो गया, संविधान सभा का गठन हो गया था 1946 में जब गठन हुआ, और उसको संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। लेकिन 26 जो जनवरी का ऐतिहासिक महत्व था, उसके कारण उस दिन लागू ना करके नेहरू जी ने बोला कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया। उसी दिन के कारण 26 जनवरी 1950 को अपना देश में संविधान लागू हो गया। तो चलो, संविधान जब लागू हो गया, फिर हम गणतंत्र दिवस इसलिए भी मनाते हैं कि उन लोगों को याद करने के लिए जो लोगों ने संविधान में बनाए, संविधान बनाने में बहुत से लोगों का योगदान था, जिसमें सबसे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर जी का योगदान सबसे अधिक था। उसके अलावा था कन्हैया लाल के मुंशी जी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी,
एमएल मित्तल जी थे, डीबी खेतान साहब थे, डीबी खेतान साहब के मरने के बाद टीटी कृष्णमाचारी साहब थे, और संविधान बनाने में बहुत से लोगों का योगदान हुआ। और जैसा कि हमें मालूम, जब 1946 में संविधान बनाने का कार्यक्रम चला था, तो उसमें सबसे पहले संविधान के तीन प्रोविंग मेंबर थे, सच्चिदानंद सिन्हा, एस एन सिन्हा, उनको अध्यक्ष हुए थे संविधान सभा के, तो उनका भी योगदान था संविधान बनाने में। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के परमानेंट मेंबर थे, उनका भी योगदान था। गांधी जी का भी योगदान था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी योगदान था संविधान बनाने में। बोले कि संविधान हम लोग मनाते हैं इसलिए कि इसी दिन को रिपब्लिक डे, रिपब्लिक के मतलब हुआ कि शासन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, सॉवरेन स्टेट रूल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। रिपब्लिक मतलब मोनार्क का शासन नहीं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जनता का शासन, डेमोक्रेसी की ओर इंगित करता है। और उसी तरह हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब हुआ, गण के मतलब समूह, तंत्र के मतलब शासन में होता हुआ समूह का शासन, जो एक व्यक्ति का शासन नहीं, राजा का शासन नहीं, मतलब पूरे समूह का शासन होता है, तो वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री की ओर इंगित करता है। तो हम लोग जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं कि हम संविधान को याद करें, और संविधान के जिन लोगों ने संविधान को बनाया उनको स्मरण करें, और संविधान की जो मुख्य बातें हैं, जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। शुरू में जब संविधान बना था तो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकुलर, सोशलिस्ट सब चलो 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी, जो इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, उन्होंने 42वें संविधान संशोधन में उसे सेकुलर और डेमोक्रेट, सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द का लगाया 42वें संविधान को उन्होंने। तो हमें गणतंत्र दिवस पर हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपने संविधान को बनाए रखें, संविधान की अक्षमता बना रखे, संविधान के अनुसार कार्य करें। फिर है कि संविधान जब बन गया तो हम अपने फंडामेंटल राइट को भी याद रखें। फंडामेंटल राइट के अलावा है कि जब हमें सरकार ने बहुत सारे फंडामेंटल राइट दिया, जैसे हमें इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को आप अपना सकते हैं, और राइट ऑफ स्पीच हमें अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके अलावा संविधान के मौलिक अधिकारों में कुछ राइट ऐसे भी हैं जो एक्यूज लोगों को लिए गए, जैसे कि सेक्शन 20 आर्टिकल 20 जो हुआ एक्यूज लोगों के लिए है, उसमें था कि ये आर्टिकल 20 में कि जिस लोगों को जितना सजा मिले तो उसी की जितना सजा प्रावधान है उसी के अनुसार उतना ही सजा मिले। दूसरा था कि डबल किसी भी व्यक्ति को एक सजा के लिए एक ही बार सजा मिले, डबल जेपर्टी उसके लिए दो या तीन सजा नहीं मिले, एक दफ्ती के लिए एक सजा मिले। तीसरा था कि किसी व्यक्ति को आप फोर्स नहीं करते थे अपने खिलाफ विटनेस बनने, मतलब आप कंफेशन के लिए फोर्स नहीं कर सकते। उसी लिए आर्टिकल 21 है, लाइफ एंड लिबर्टी, सभी आदमी को बिना कारण से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 20 के बहुत ही व्यापक लाइफ के मतलब क्वालिटी लाइफ हुआ, इन्वायरमेंट फ्री लाइफ हुआ, अच्छे से लाइफ जीने का अधिकार हमें संविधान देती है। इसी पर आर्टिकल 22 है जो हमें अरेस्ट, जो लोग अरेस्टेड है उनके अधिकार को इंगित करती है। आर्टिकल 20 जो अरेस्टेड पर्सन है उनको अरेस्ट करते समय बताया जाता है कि अरेस्ट का कारण क्या है, फिर उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में प्रस्तुत। तो ऐसा ही आर्टिकल 20, 21, 22 ये लोग ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि हमें विदेशी लोगों को भी प्राप्त है, यहाँ देश के हर लोगों को। और आर्टिकल 20 और 21 ऐसा राइट है कि इमरजेंसी में सारे राइट अगर सस्पेंड हो जाए तो राइट एक्सेप्ट करें। इसके अलावा हम संविधान में ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य को भी हमें याद रखना चाहिए। जब सरकार ने हमें हमारा कर्तव्य कि अपने देश की एकता को बनाए रखें, देश की अखंडता को बनाए रखें, अपने बच्चों को पढ़ाए, मौलिक कर्तव्य में ये भी है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को हम अपना स्कूल भेजे, उनको पढ़ाए, अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखें। और इसीलिए हम इसलिए 26 जनवरी को